हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा स्पेशल। मौसम आप पीछे देख सकते हो, बहुत ज्यादा आज कनाडा में बारिश हो रही है। बहुत ही अच्छा मौसम है, सुंदर है, बट ड्राइविंग बहुत ज्यादा वर्स्ट हो रखी है बाहर। रोड्स खराब है थोड़ी सी, क्योंकि टेम्परेचर जीरो होने की वजह से फ्रीजिंग काइंड ऑफ रेन हो जाती है, तो वो जमने लगती है, तो ड्राइविंग के लिए वो ठीक नहीं होती है क्योंकि गाड़ी स्लिप करती है उसमें। तो एनीवे, ये मौसम तो चलता रहेगा। हवा बहुत ज्यादा, विंड बहुत ज्यादा तेज है। पीछे पेड़ देख सकते हो, मेरे घर का ही है वो, पीछे बहुत ज्यादा मतलब वो हिल रहा है, बहुत ज्यादा तेज मतलब विंड चल रही है। तो एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेस के बारे में, कि आप कनाडा में फ्री टैक्स फाइल कैसे कर सकते हो। पिछली वीडियो हम बताया था मैंने सब कुछ कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं टैक्स फाइल करने के और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तो नया जो टैक्स रिबेट इंट्रोड्यूस हुआ है कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से, और प्लस कि आप फ्री अपना टैक्स फाइल कैसे कर सकते हो कनाडा में। क्योंकि जब आप टैक्स फाइल करते हो तो आपके जब मतलब इंडिविजुअल टैक्स होता है किसी इंडिविजुअल बंदे का, जब आप किसी के यहाँ जॉब करते हो तो उसको इंडिविजुअल टैक्स, पर्सनल टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो पर्सनल टैक्स के अराउंड $40 to $45 लेते हैं एक बंदे के फाइल करने के, और दूसरा जो टैक्स होता है वो कॉरपोरेशन का, कॉरपोरेशन टैक्स होता है। जैसे अगर किसी का बिजनेस हो जहां उसके तो $300, $350, $400 भी आजकल ले रहे हैं पर पर्सन, $500 से भी ज्यादा अब बढ़ चुका है, ठीक है। कॉरपोरेशन के बारे में नहीं है ये, पर्सनल टैक्स के बारे में है। पर्सनल टैक्स आप अपना अगर फ्री में फाइल कराना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं, कौन है जो फ्री में टैक्स फाइल करता है, तो कंप्लीटली उसके बारे में बात करेंगे। और क्या जो नया ग्रोसरी का रिबेट के बारे में बात करेंगे कि क्या वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ग्रोसरी का नया रिबेट आया है, क्योंकि जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ, अब आपको भी मेरे पे यकीन हो जाएगा कि मैं गप्पे नहीं मारती हूँ, सच में ग्रोसरी के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि नॉर्मल बंदे के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग। सबको कई बार लोगों को लगता है कि यार मिनिमम वेज कनाडा में 15, जो कि अब फेडरल जो मिनिमम वेज है वो $16 हो चुकी है। जैसे मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, $16 फेडरल वेज हो चुकी है, नॉट प्रोविंशियल। अगर आप किसी प्रोविंशियल कंपनी के साथ काम करते हो तब वो बड़ी नहीं है, ओनली फेडरल जो काम करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उन्हीं की जो है, जिनकी कंपनीज फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं उनकी मिनिमम वेज जो है बड़ी है, ठीक है। फेडरल मिनिमम वेज बढ़ चुकी है, पहले 1570 थी, अब 1625 मेरे ख्याल से हो चुकी है। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सोचने में बंदे को लगता होगा कि यार $16 एक घंटे के मिल रहे हैं, और अगर 8 घंटे भी काम कर रहे हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे 25% पहले तो आपको निकालना होता है, ठीक है। दूसरा, जब आप ग्रोसरी करते हो तो उस पर आपको 13% देना भी होता है। लाइक लेट्स से अगर आपने कोई एक आटे की बात करते हैं जो सबकी नीड है, अगर आपने आटा खरीदा, वो $20 का बैग लगा हुआ है, जैसे मैंने वीडियो ग्रोसरी की वीडियो डाली थी, अगर नहीं देखी है तो वो देख सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। अगर $20 का वो बैग लिया तो उसके ऊपर 13% टैक्स भी लगेगा, फिर आपको वो बैग मिलेगा, राइट। तो बेसिकली आप 25% पहले अपनी सैलरी में से कटवा रहे हो, और उसके बाद आप 13% जब कोई चीज बाय कर रहे हो तब दे भी रहे हो 13%, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा मतलब टैक्स हो जाता है। और अब यहाँ पे ऐसा है कि कनाडा की गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा रिबेट देती है, बट वो कहने को चीजें होती हैं, बट उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। बट एनीवे, एवरी पेनी काउंट्स, तो कुछ ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो पड़ता है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। कहने की बात ये है, तो बात ये है कि अब जो रिबेट निकला है, अब गवर्नमेंट ने इस साल से शुरू किया है, क्योंकि ग्रोसरी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन चल रही है कनाडा में, लोग ग्रोसरीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एवरेज अगर दो बंदों की फैमिली है तो $500 से $1000 का खर्चा ग्रोसरीज में जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या क्या खरीद रहे हो। अगर बंदा कोई सिंपल जो जरूरत की चीजें ही खरीद रहा है तो उसके ऑन एन एवरेज जो है ग्रोसरी में पैसे जा रहे हैं $500 से $700, अगर वो कोई एक्स्ट्रा फालतू चीजें नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अगर अब इसी चीजों को देखते हुए कनाडा की गवर्नमेंट ने वो अनाउंस किया है कि अब हर एक बंदे को जब आप टैक्स फाइल करोगे तो आपको आपकी ग्रोसरीज पे
अगर एक सिंगल हो आप, अभी तक कोई फैमिली नहीं है आपकी, आप सिंगल हो, तो आपको $235 गवर्नमेंट देगी हर साल का। तो आप सोच सकते हो कि जब कोई बंदा $400 से $500 महीने का स्पेंड कर रहा है, सिंगल बंदा, ग्रोसरीज पे एक महीने का, तो उसको $235 का अगर रिबेट मिल रहा है तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। बट एनीवे चलो, कुछ ना होने से तो अच्छा है कुछ मिल जाए, ठीक है। और ये तो सिंगल बंदे की बात होगी, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो जो आ रखा है ऊपर। और अगर आप फैमिली हो, फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, अगर आपके दो बच्चे हैं तो 250 से जो 235 है उससे आपको 400 कुछ मिलेंगे, मतलब 450 ही लगा लो, ठीक है, तो वो आपको रिबेट मिलेगा टैक्स में। ये तो नई चीज थी, टैक्स रिबेट जो गवर्नमेंट ने ऐड किया है। अब बात करते हैं कि आपने फ्री में टैक्स फाइल कैसे कर सकते हो, अपने जो $40-45 लग रहे हैं वो बचा सकते हो, क्योंकि ये कैनेडा की गवर्नमेंट के क्लिनिक्स हैं जो आपकी टैक्स फाइल करने में फ्री में हेल्प करते हैं। तो इसमें आपके पैसे नहीं लगते, प्लस आपको सिक्योरिटी रहती है कि आपकी सारी चीजें जो है ठीक फाइल हो रही है, ठीक है जी। अब मौसम और भी ज्यादा खराब हो गया है, मैं कैमरे में से ही देख रही हूँ, स्नो पड़नी शुरू हो चुकी है, मैंने जॉब पे भी जाना है, मौसम आज खराब है, पता नहीं मैं क्या करूंगी। चलो जी, वीडियो पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे फ्री में जो है टैक्स फाइल कर सकते हो। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं फ्री में। तो सबसे पहले आपको canada.ca की वेबसाइट पे जाना है, canada.ca फ्री टैक्स क्लिनिक आपने लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे canada.ca फ्री टैक्स क्लिनिक, उसके बाद ये ऐसे वेबसाइट खुल जाएगी। अब तीसरे नंबर पे जो लिखा है फाइंड अ फ्री टैक्स क्लिनिक, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द राइट क्लिनिक फॉर यू, फिर वहां पे आपने क्लिक करना है। अगले पेज पे जब जाओगे तो ये पेज खुल के आएगा, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन वो मांगेगा। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिमेम्बर टू ब्रिंग योर टैक्स स्लिप्स एंड रिसीप्ट, तो जो भी डॉक्यूमेंट बाकी के होते हैं उसकी जो मैंने डिटेल वीडियो में आपको बता रखा है कि टैक्स फाइल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो वीडियो देख सकते हो आप, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब आप यहाँ पे जाओगे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई है कि क्लिनिक टाइप, आप वॉक इन जाना चाहते हो, जब ड्रॉप ऑफ करके आने हैं पेपर, जब बाय अपॉइंटमेंट, वर्चुअल भी है। तो ये सारी चीजें आपने, लेट्स से हम वॉक इन कर देते हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आ जाती है प्रोविंस चूज करने की, तो प्रोविंस आपको जिस भी प्रोविंस में आप रहते हो वहां पे सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में करते हैं ओंटेरियो, तो सिटी हम लेट्स से कर देते हैं मिसिसागा। इसमें अच्छी चीज ये है कि ये हर एक सिटी में अवेलेबल है और ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर हमने यहाँ पे मिसिसागा सिलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन से ईयर का टैक्स फाइल करना है, करंट ईयर का या फिर आपको करना है प्रायर ईयर का, तो हमने सिलेक्ट कर लिया करंट ईयर। अब हम इस पेज पे आ गए, ये एड्रेस आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस एड्रेस पे जाना है, हमने वॉक इन सिलेक्ट किया है तो हम वॉक इन जाएंगे। और लैंग्वेज वहां पे नीचे आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो ये बहुत सारी लैंग्वेज में मतलब डील करते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर की भी कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें सिलेक्ट करके आपको वहां पे वॉक इन चले जाना है और अप्लाई कर सकते हैं ये आपके लिए। मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जा रहे हो साथ में, क्योंकि अगर आप वॉक इन जा रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, अदरवाइज आप अपॉइंटमेंट लेके उनसे मतलब अपॉइंटमेंट लेके बाय वर्चुअल भी कर सकते हो, वर्चुअल की ऑप्शन सिलेक्ट करके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बस आपने, आपको पता चल गया कि फ्री में आप कैसे इनको फाइंड आउट करके अपना जो टैक्स है वो फाइल करवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज आपकी पसंद की चूज कर सकते हो, जो लैंग्वेज आपको आती है उस हिसाब से आप इनसे बात कर सकते हो। वॉक इन सिलेक्ट करते हो तो आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा वॉक इन जाके एड्रेस पे पेपर वर्क लेके जाने अपने। अगर आपको पेपर वर्क नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो कि टैक्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं टैक्स फाइल करने के टाइम पे, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऊपर आई कार्ड में भी दे दूंगी। तो वो वाले पेपर लेके जाओ, सीधा जाके बात करके अपना फ्री में टैक्स फाइल कर सकते हो, आपके पैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अगर पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।